हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्रेड ऑमलेट एक नए तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 eggs और 2 bread slices और साथ में 1 cup milk। तो पहले हम ब्रेड स्लाइसेस को पीसेस करके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे दोनों स्लाइसेस के। तो इसके लिए आप एंड वाला पीस भी ले सकते हैं जो यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ब्रेड के स्लाइसेस बनाने के बाद इसमें हम एग्स को ऐड कर देंगे, दोनों एग्स को। और साथ में 1 cup milk ऐड करेंगे। अभी 1 teaspoon ऑफ मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किया है मैंने और साथ में 1 teaspoon ऑफ चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और आप सॉल्ट ऐड करना अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। और साथ में मायोनीज ऐड करेंगे 2-3 teaspoons जितना। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम 5 minutes के लिए ढककर रख देंगे। अभी एक पैन में 1 teaspoon ऑफ ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हमारा जो मिक्सचर बनाया है हमने एग्स वाला, वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये ब्रेड ऑमलेट रेसिपी जो है बहुत ही जल्दी और क्विकली बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और एक नए तरीके से बनाने में बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो क्विकली आपको कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है तो ये आप एक और एक इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट बनाना है तो ये आप बना सकते हैं। तो अभी इस मिक्सचर को हम प्रॉपरली इवनली स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद पैन को लिड से क्लोज करके 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसको हम कुक करेंगे। फाइव मिनट्स के बाद हम लिड को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि ये अच्छे से एक साइड से कुक हो गया है या नहीं। अगर कुक हो गया है तो हम इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर से 1 teaspoon ऑफ ऑयल ऐड करके अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी साइड हम कुक करेंगे। तो 5 मिनट्स के बाद हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। अगर दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो गई है तो हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको भी अगर क्विकली 10 मिनट्स में ब्रेकफास्ट बनाना है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बस 2 eggs और 2 bread slices ही लगते हैं और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स तो घर पे होते ही हैं। मिक्स्ड हर्ब्स आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या इसके अलावा घर में जो मसाले होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इस ब्रेड ऑमलेट रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अगर अच्छी बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।